हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए जो है एकदम ज़बरदस्त एकदम छोटे छोटे सवाल लेकर के आए, वो भी दिमाग को घुमा देने वाले सवाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें केवल दो ही सवाल हैं, दो सवाल है, इसको कैसे करेंगे यही चीज़ हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, मानस क्या लिखा है, मानस का दो। ठीक है, मानस की मानस का दो, ठीक है, माइनस का दो लिखा है। इसकी होल पावर कितनी है, दो है, इनटू क्या है, टू की पावर कितना, जीरो है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आज हम देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, पावर दो, यानी कि माइनस टू की पावर कितनी है, टू है। जब माइनस टू की पावर टू है, जितनी पावर रहेगी उसको हम उतनी बार क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का टू इंटू माइनस का टू, राइट, ये हो गया। आप देखिए इंटू है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू का सिन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो टू की पावर क्या है, जीरो। इतना ध्यान देना बेटा कि जब किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान कितना होता है, वन होता है। कितना होता है, वन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, ये वन हो गया। ठीक है, अब आगे देखते इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। टू टू जा फोर हो गया, टू टू जा कितना हुआ बेटा, फोर। अब क्या करेंगे, हमने संख्याओं को तो गुणा कर लिया, अब चिन्हों का भी तो गुणा करेंगे, सिंबल से जो ये जो सिंबल फिन का भी आपस में गुणा करेंगे। तो माइनस इक्वल, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है बेटा, प्लस होता है, और प्लस लिखा नहीं जाता। ये इंटू में क्या बचा, इंटू में वन बचा। आप ध्यान से देखेंगे, फोर वन जा फोर, यही आपका क्या हो गया बेटा, यही आपका आंसर हो। एकदम एकदम छोटा सवाल, एकदम इजी सवाल। ठीक है, और दूसरा इसी तरह देखते हैं। जब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू की पावर जीरो है इंटू थ्री की पावर टू है इंटू टू की पावर जीरो है। हमने आपसे क्या कहा, जब किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान वन होता है, इंटू है, इंटू का सिन लगा दो। जब थ्री की पावर टू है तो क्या करेंगे, थ्री को आपस में दो बार मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी तीन, दो बार लिख लेंगे। उसके बाद करें इंटू, इंटू देखो टू की पावर जीरो, तो इसका मान कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे बेटा हम, देखिए जो आपस में गुणा कर देंगे, वन थ्री जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन हुआ ना, नाइन इंटू कितना बचा, वन। ठीक है, तो नाइन वन सा कितना होता है बेटा, नाइन होता है। दिस इज आंसर। ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। एकदम इजी सवाल थे बेटा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपका ये ज़बरदस्त सवाल कैसा रहा।